अस्सलाम वालेकुम। 3 जुलाई 2020 ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ हसीब बंजुम। यूए की गवर्नमेंट ने यूए के सिटीजन शहरियों को और यूए के रेजिडेंट वीज़ा होल्डर को यूए से दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएँ। बेल के बटन को दबाने से मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना मत भूलें। मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सेवन रीजन की वजह से यूएई के रेजिडेंट को और यूएई के सिटीजन को दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी है। यूएई के शहरी और यूएई के वीज़ा होल्डर जो यूएई में रहते हैं उनको ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी है नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। मुसाफिरों को यूएई से ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल परमिट की ज़रूरत होगी। उनको ट्रैवल परमिट लेने के लिए स्मार्ट सर्विसेज .ica.gov.ae की वेबसाइट विजिट करना होगी। वहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी जो उनको अपलोड करना होंगी तो उनको ट्रैवल परमिट मिलेगा। लेकिन ये ट्रैवल परमिट सिर्फ 7 कैटेगरीज के लोगों को मिलेगा जो 7 वजूहात की वजह से यूएई से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। उसमें नंबर एक है एजुकेशन पर्पज में। अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो आपको चाहिए होगा एमिरेट्स आईडी कॉपी, आपका वीज़ा कॉपी, रेजिडेंस वीज़ा कॉपी और आपका पासपोर्ट कॉपी। और अगर आपकी जो फ़ी वगैरह है वो गवर्नमेंट पे कर रही है यूएई की, तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वहाँ से लेटर चाहिए होगा। दूसरी जो नंबर टू है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप यूएई से बाहर जा रहे हैं तो आपको चाहिए होगा आपका वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और आपकी एमिरेट्स आईडी कॉपी। इसके बाद अगर आपका वो जो एक्सपेंस होगा मेडिकल ट्रीटमेंट का, अगर वो यूएई की गवर्नमेंट पे कर रही है तो आपको जो हेल्थ मिनिस्ट्री है यूएई की वहाँ से आपको लेटर चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए। नंबर थ्री है डिप्लोमेटिक मिशंस। अगर आप डिप्लोमेटिक मिशंस फरदकारी के तौर पर जा रहे हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर नंबर फोर है ऑफिशियल गवर्नमेंट बिजनेस, अगर आप गवर्नमेंट के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कहीं बिजनेस टूर कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और नंबर फाइव है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ट्रैवल में है कि अगर आपका अपना बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए आपको ज़रूरत है, कहीं मीटिंग वगैरह में जाना है तो आप जा सकते हैं। उसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए जहाँ पर आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी और एमिरेट्स आईडी कॉपी चाहिए। नंबर सिक्स है बिजनेस ट्रैवल फॉर दोज इन कमर्शियल एंड इकोनॉमिक सेक्टर। जो लोग कमर्शियल और इकोनॉमिक सेक्टर में, बेसिकली इमाराती लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। उनको भी जो डिजायर्ड और डेजिग्नेटेड जो मतलब अथॉरिटी है वहाँ से वो लेटर चाहिए होगा और एमिरेट्स कॉपी और उनका पासपोर्ट चलेगा अगर वो अमाराती हैं। अगर वो रेजिडेंट हैं तो उनका वीज़ा कॉपी भी ज़रूरी होगी, रेजिडेंस वीज़ा। नंबर सेवन जो है वो है यूएई रेजिडेंट हु विश टू विजिट देयर होम कंट्रीज एंड रिटर्न टू द यूएई। वो लोग जो अपनी फैमिली से मिलने अपने कंट्री में जाना चाहते हैं और वो वापस यूएई में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट कॉपी, रेजिडेंस वीज़ा कॉपी, आपका टिकट होगा और उसके बाद आपका पासपोर्ट कॉपी। चार चीज़ें, वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, एमिरेट्स कॉपी और आपका टिकट। ये चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी, लेकिन जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे इसकी 50 दिरहम फ़ी है। 50 दिरहम आपको पे करने होंगे ऑनलाइन, आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पे करेंगे फिर परमिट मिलेगा तो भी आप यूएई से बाहर जा सकते हैं। नॉर्मली आप टूरिज्म के लिए किसी भी दूसरे कंट्री नहीं जा सकते, जैसा कि मेरा अपना प्लान था, मैं तुर्की जाने का टूरिज्म के पर्पज़ के लिए, विजिट के लिए नहीं जा सकते। इसलिए अगर आप कहीं सोच रहे हैं वीज़ा ले रहे हैं किसी कंट्री का तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ अपने होम कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। और अगर आपकी एज 70 से अबव है तो आप जो बिजनेस टूर भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, टोटली मेडिकल के लिए आप कंट्री से बाहर जा सकते हैं अगर आपकी एज 70 ईयर से ऊपर है।
अगर 70 से कम है तो आप बाकी अगर कैटेगरीज में 7 में फॉल करते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जिसकी एज 70 ईयर से अबव है जिस बंदे की, वो बगैर 6 कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होती, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जा सकते हैं मेडिकल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो यूएई से बाहर जा सकते हैं, और उनको वापस आने के लिए भी एंट्री परमिट चाहिए होगा, जाने के लिए उनको चाहिए होगा ट्रेवल परमिट और आने के लिए उनको चाहिए होगा एंट्री परमिट। ये बेसिकली दोनों चीजें आपको smartservices.ica.gov.ae की वेबसाइट से आपको लेनी होंगी, लेकिन जो लोग यूएई से बाहर हैं, जिन लोगों को एंट्री परमिट नहीं मिल रहे, चाहे वो GDRFA से नहीं मिल रहे या ICA से नहीं मिल रहे, GDRFA की वेबसाइट पे नॉर्मली वो लोग जो ऑफिशियली जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा प्रोफेशन है जिनका, इंजीनियर हैं, सर्वेयर हैं या फिर मैनेजर वगैरह हैं या सुपरवाइजर हैं, उन लोगों को एंट्री परमिट मिल रहे हैं, नॉर्मल लेबर वगैरह को नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं और ये हकीकत है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब हालात अच्छे होंगे तो वापस आप लोगों को एंट्री ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।